इस बार पंचायत चुनाव के बाद होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। 2021 में 14 जनवरी को होने वाली बैठक में इसका फैसला लिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 2021 पंचायत चुनाव के बाद आयोजित की जाएगी। बोर्ड परीक्षा के लिए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में 14 जनवरी को होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के लिए पंचायत चुनाव के प्रस्तावित कार्यक्रम का इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालय परीक्षा केंद्र भी हैं, उन्हें पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्र भी बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के चुनाव में भी ड्यूटी लगाई जाएगी और परीक्षा में भी ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षा पंचायत चुनाव के बाद कराने की योजना है। आपको बता दें कि यूपी में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव इस बार एक साथ होंगे। अभी तक की तैयारी में मार्च 2021 में चुनाव कराने की है। आरक्षण का फार्मूला जल्द तय हो जाएगा। वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया फरवरी के तीसरे सप्ताह तक पूर्ण कर ली जाएगी। शासन ने पंचायत चुनाव को कराने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर रखी हैं। सरकार की मंशा मार्च में पंचायत चुनाव कराने की है। पिछली बार ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव एक साथ थे, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव अलग से हुए थे, लेकिन इस बार समय बचाने के लिए चारों पदों का चुनाव एक साथ कराने की तैयारी में है। यानी कि एक मतदाता को इस बार चार बैलेट पेपर पर मुहर लगानी होगी। मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और BDC जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग अलग बूथ बनाए जाएंगे। यानी प्रत्येक बूथ में वोटर को दो दो बैलेट पेपर देकर भेजा जाएगा।